हल्द्वानी में महिला बाल विकास और पशुपालन मंत्री रेखा आर्य ने पहाड़ी जिलों में पशुओं में कृत्रिम गर्भधारण करने वाली महिलाओं को स्कूटी वितरित करने का ऐलान किया है। एफटीआई सभागार में आयोजित कार्यक्रम में महिला बाल विकास और पशुपालन मंत्री रेखा आर्य ने राज्य में बेहतर पशुपालन व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल गर्भधारण करने के प्रशिक्षण ले चुकी 14 महिला पशु सेविका को स्कूटी वितरित किया। साथ ही पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्र में जाकर आर्टिफिशियल गर्भधारण करने वाली महिलाओं को गर्भधारण करने में प्रोत्साहन राशि की घोषणा भी की है। बालकों के जो पशु हैं उनमें नस्ल सुधार और साथ साथ में किस प्रकार से कृत्रिम गर्भाधान को हम लोग आगे बढ़ा सके और कृत्रिम गर्भाधान इस प्रकार से आगे बढ़ सके कि किसी न किसी की आजीविका का भी जो है वो समृद्ध हो सके, तो उसी दिशा में एक अभिनव प्रयोग हम लोगों ने किया था जिसमें हमने महिलाओं को पैरावेट्स के रूप में उन्हें प्रशिक्षण दिया और आज वो फील्ड में बहुत बेहतर काम कर रही हैं और वो 6 महीने के अंतर्गत उन्होंने 200 से लेकर 250 तक AI करी है जो कि एक विशेष उपलब्धि।